गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इट्स एम कुमार में। मैं मनोज कुमार आप सभी के साथ एक बार फिर से हूँ। आज रात हमने बिताई यहाँ हंडर के अंदर, इस टेंट हाउस के अंदर। तो यहाँ टेंट हाउस के अंदर भाई साहब रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। हमने दो रजाई ले रखी थी फिर भी हमें ठंड लग रही थी। आज का जो हमारा प्लान है वो है यहाँ से पेंगोंग लेक जाने का, जो कि यहाँ से लगभग 200-250 किलोमीटर है। तो हम सोच रहे हैं कि जो आज की राइड है सुबह सुबह जल्दी स्टार्ट करें। 6 ऑलरेडी बज चुके हैं, 7 बजे निकलने का प्लान है। तो हम फटाफट तैयार होते हैं और ये जो हंडर है यहाँ से जो रात को स्टार्स का व्यू था भाई साहब अल्टीमेट आ रहा था। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं और निकलते हैं पेंगोंग लेक के लिए। चलो तो अभी टाइम हो गया है 7:40 और हम लोग ऑल सेट हैं। यहाँ पे बाइक फुल लोड कर दी है और यहाँ पे जय भाई की भी बाइक ऑलमोस्ट लोड हो चुकी है। और उधर बात करें तो वहाँ पे शुभम की बाइक भी रेडी है। और आज हमारे साथ यहाँ से जयपुर के राइडर्स हैं, ये लोग भी यहाँ से आज राइड ज्वाइन करेंगे। तो आज कुल मिला के अपने पास 5 बाइक हैं। तो 5 बाइकों के साथ आज हम लोग करेंगे पेंगोंग लेक के लिए प्रस्थान। ठीक है, तो अब फटाफट निकलते हैं क्योंकि बता रहे हैं कि आज गर्मी, रास्ते में जो वाटर क्रॉसिंग है वो काफ़ी तेज आएगी। तो होप सो पागल नाले जितनी नहीं आए। चलिए फिर निकलते हैं बिना किसी देरी के, फटाफट आपसे मिलते हैं बाइक पे। तो कल अपने किलोमीटर हुए थे वो 136 हुए थे, आज इनको वापस 0 कर देते हैं। रेडी है तो बजरंगबली महाराज हमारी राइड सफल बनाना, रक्षा करना। जय बजरंगबली महाराज। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल का प्लान क्या है, सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा पेट्रोल पंप के लिए और पेट्रोल पंप पे हम फिल कराएंगे अपने पहले तो फुल टैंक, उसके साथ जो ये 5 लीटर वाली पीपी है इसको भी हम फुल करा लेंगे। ओके, तो ये है यहाँ पे दिशकित के पास में। पेट्रोल पंप जहाँ पे अभी पेट्रोल की प्राइस है 107.87। बट यहाँ तो यार कैश होगा, पूरा कैश करना पड़ेगा ना। साढ़े 500 का कर दे तो ठीक है, 550 का 100। और इसके अलावा सुनो पीपी में भी डालनी है, इसमें अलग से करनी है। तो ये कल वाला रास्ता ही आ गया जो बिल्कुल नदी के बीच में से निकलता है और सीधा रास्ता है। यहाँ पे रास्ते में कई मोटर एडवेंचर एक्टिविटीज होती है, देखो कितना शानदार लग रहा है, पूरा ऐसे नदी के बीच में से जा रहे हैं। तो वह जो नदी थी वो देखो कितनी पास में आ गई है यहाँ पे, और अभी हम निकल रहे हैं इसके बिल्कुल किनारे किनारे। रोड देखो आप, ऐसे लग रहा है मैं सीधा नदी के अंदर जा रहा हूँ। वाह, वाह, इतनी पास से, एक नंबर नज़ारा, एक नंबर भाई, पैसा वसूल। तो
फिर से चढ़ाई वाली रोडें आ गई हैं और साइड में है खाई, और अभी हम जा रहे हैं शायद या तो खलसर या फिर खारदुंग, वहाँ से फिर कोई पेंगोंग लेंग के लिए शायद अलग से रास्ता है, तो उधर से निकलने का प्लान है। और अभी रोड पे पूरे पे बजरी पड़ी हुई है जिसके कारण बाइक फिसल रही है लिटरली यार, थोड़ी सी डेंजरस सिचुएशन चल रही है अभी। और ओ भाई नीचे नहीं देखने का, नीचे बिल्कुल भी नहीं देखने का, नीचे देखोगे चक्कर आएंगे आपको, मुझे तो नहीं आते आपको आएंगे, नीचे नहीं देखने का, सीधा चलते जाने का। ये देखो खारदुंग यहाँ से 20 किलोमीटर में शायद लेफ्ट जाना है पेंगोंग के लिए, और कल हम इधर राइट से आए थे तो यहाँ से बता रहा है पेंगोंग 130 किलोमीटर है, के 130 के ऊपर दो डंडी लगा रखी है। तो यहाँ से अब हमारा जो नया रास्ता है वो शुरू हो जाता है। ओ माय गॉड, ये क्या है मेरे भाई, ब्रेक नहीं लगाने का। ओ भाई साहब, पूरी बजरी पड़ी है यार यहाँ। आपने ब्रेक लगाया, यू गॉन, आपने ब्रेक लगाया एंड यू गॉन। ओ भाई साहब, क्या है ये, खतरनाक से भी ऊपर खतरनाक। अभी हमने वहाँ से टर्न लिया ही है चौराहे से, और रास्ता वास्ता में यार हद से ज़्यादा ख़तरनाक है ये वाला, तो बहुत छोटा रास्ता है और मोड़ बहुत ही शार्प है, मतलब पूरी गाड़ी ब्रेक पे ही चल रही है ऐसा लग रहा है, स्पीड तो बढ़ा ही नहीं पा रहे बिल्कुल भी, इतने ज़्यादा मोड़ जिसकी कोई हद नहीं। अगम अभी भी 21 किलोमीटर दिखा रहा है और हम लोगों ने सुबह से 35 किलोमीटर किए। ओ भाई साहब बहुत ही, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस रोड पे बीच में कंकर पत्थर और बजरी पड़ी हुई है जो कि इस रोड को और भी डेंजरस बना रही है, तो इसलिए हम थोड़ा सावधानी से ही चला रहे हैं, थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे कोई इशू नहीं है, बट पहुंचे तो सही, पता लगा भागा दौड़ी में पहुंचे भी नहीं। ये देखो, और यहाँ पे जो ढलान है वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा ढलान है यार, सीधी ढलान है ये, तो थोड़ी ढलान है इसलिए थोड़ा सा चल रहा है काम, अगर इस पे चढ़ना पड़े तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाएगी। शायद हमारा ले जाने का रूट दूसरा होगा, इधर से नहीं आएंगे हम, तो होप सो ये वाली चढ़ाई ना ही करनी पड़े तो ही बढ़िया है यार, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एकदम सीधी। सो से थोड़ी सी रेस खोले लेकिन इतने में फिर मोड़ आ जाते हैं। भाई साहब आप नज़र हटा ही नहीं सकते, रोड पे से नज़र हटा ही नहीं सकते, 1% नहीं हटा सकते, आप हटाए आप बजरी में जाएंगे या कंकर पत्थर में जाएंगे। ओ भाई साहब देखा, थोड़ा सा बजरी में जाते हैं गाड़ी कैसे स्लिप करती है। पेश करते हैं आज की पहली वाटर क्रॉसिंग आप सभी के सामने, अभी तो छोटी सी है बट आगे और भी बहुत सारी आने वाली है। ये देखो पानी का भाव देखो यार, अब जो ये पानी आ रहा है, और बता रहे हैं कि 12 बजे के बाद यहाँ, भाई साहब ओ शिट, ध्यान नहीं दिया बिल्कुल, शार्प चढ़ाई थी बच गए, ज़्यादा लगी नहीं, लेकिन थोड़ी सी स्पीड में होते तो पता नहीं क्या क्या टूटता फूटता, काफ़ी शार्प। ओहो पुल के ऊपर से जाएंगे, बहुत तेज है यार इस नदी का बहाव तो। ओके तो अभी एक और यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग वाला पैच आ गया है, तो देखनी पड़ेगी, पूरी रोड पे पानी है देखो आप, और यहाँ से बाइक निकालना देखो मुश्किल तो लग रहा है, करेंगे। ओ माय गॉड शिट, इतनी भयंकर, क्या है ये, किधर से आऊं, बीच में से, ओ भाई
ये क्या था? ओ माय गॉड, बहुत ही जबरदस्त वाटर क्रॉसिंग थी यार, खतरनाक। ऐसी आएंगी क्या? अरे यार, तो जय भैया बता रहे हैं कि आज तो भाई साहब भर भर के वाटर क्रॉसिंग आने वाली है, भर भर के। ये लो, एक कंप्लीट हुई थी, एक और आ गई। शुभम को जाने दो आगे, शुभम जा आराम से। रूट यही है क्या? गलत तो नहीं ले लिया ना अपन ने? मैं जाता हूँ ना, रुको रुको, मैं जाता। पूरे रास्ते में पानी पानी है मेरे भाई। बहुत ज्यादा वैसे है। ये छोटा सा रहेगा बट यहाँ देखना पड़ेगा। हो गया, थोड़ा सा टफ है। इस पे बैठो, सुनो, सेकंड गियर में धक्के से स्टार्ट कर दो। तो अभी हम सब लोगों की बाइकें यहाँ पे लाइन अप हो गई है। जो वो पीछे लूप वाला हिस्सा था वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें से एक भाई है जिसकी जयपुर की बाइक है, एक यहाँ से जे एंड के से रेंटेड बाइक है, एक दिल्ली से है बाइक, और बाकी अपने तीन ग्रुप में तीन बाइकें तो थी ही। तो अब कुल मिला के छः बाइक्स हो गई हैं और अब सारे के सारे जा रहे हैं पैंगोंग। ग्रुप बन गया है यहाँ पे, वाह शानदार, एक नंबर। पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई है और हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ा सा चीन की साइड, तो यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा रहती। किधर से तो थोड़ी सी ज़्यादा ही वाटर क्रॉसिंग आ गई है वापस से, और यहाँ पे तो भाई साहब पत्थर भी, ओहो